वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। मंत्रोच्चारण भी चल रहा है और कलमा भी पढ़ा जा रहा है, पंडित भी है, काजी भी है, शादी भी हो रही है और निकाह भी। इसी भारत की तस्वीर है, ये उसी यूपी की तस्वीर है जहां हैदराबाद से आए नेता ये कहते हैं कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं। ये उसी यूपी की तस्वीर है जहां दिल्ली से आए नेता ये कहते हैं कि संविधान खतरे में है। उसी यूपी में योगी महाराज के राज में एक ही टेंट के नीचे दो अलग अलग समुदाय के लोग इकट्ठा हुए हैं और सबके चेहरों पर खुशी है। यह खुशी हो भी क्यों ना, जब दो आत्माओं का मिलन हो रहा है। तस्वीरें लखनऊ, अलीगढ़ या मेरठ की नहीं, ये खुशनुमा तस्वीर है रामनगरी अयोध्या की, जहां श्रम व सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने वृद्ध सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन करवाया और इसे विश्व का सबसे बड़ा सामूहिक विवाह कार्यक्रम बताया। बता दें कि रामनगरी में आयोजित 3,915 श्रमिक पुत्रियों के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में उन्होंने किसी भी राजनीतिक बयानबाजी से पूरी तरह किनारा किया और वर वधुओं को आशीर्वाद दिया। श्रम और सेवायोजन मंत्री ने बताया कि एक पुत्री की शादी में सरकार की ओर से 75,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। सभी बेटियों के पिता के खाते में 65,000 रुपए RTGS के माध्यम से जाएंगे। इसके अतिरिक्त शेष 10,000 रुपए में वर और वधु को 5,000 रुपए के वस्त्र दिए जाते हैं। साथ ही इस पूरे आयोजन का खर्चा विभाग स्वयं वहन करता है। आज 3,915 श्रमिक पुत्रियों के इस भव्य ऐतिहासिक समारोह में 50,000 की भीड़ के साथ वर वधुओं को आशीर्वाद देने का काम किया गया। एक पुत्री की शादी पर हम 75,000 रुपए की आर्थिक सहायता देते हैं और सभी के पिता के खाते में 65,000 रुपए की धनराशि नकद RTGS के माध्यम से जाएगी। शेष 10,000 रुपए में हमने वर वधु के वस्त्र के लिए, 5,000 रुपया कन्या के लिए और 5,000 रुपया दूल्हे के लिए दिए हैं। पंडाल, ये भीड़ और ये रौनक देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये शादी किसी शाही शादियों से कम नहीं। मंत्री ने बताया कि राजाओं महाराजाओं की बेटियों की शादी के कार्यक्रम को भी श्रमिक पुत्रियों के सामूहिक विवाह के आयोजन ने पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने बताया कि इसमें वर और वधुओं की संख्या जोड़ी जाए तो संख्या 830 होती है। कुल 3,915 जोड़ों में अयोध्या से 1,615, बाराबांकी से 315, अम्बेडकर नगर से 355, सुल्तानपुर से 947 जोड़े, अमेठी से 621 जोड़े विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए। इसमें 138 जोड़े मुस्लिम समुदाय से हैं, शेष 3,777 हिंदू समुदाय से शामिल हुए। ये तस्वीरें देखकर विपक्ष की नींद उड़ना लाजमी है और नेताओं की भी जो सूबे में आकर ये बताने की कोशिश में लगे हैं कि विशेष समुदाय यहाँ मजलूम की स्थिति में है, सरकार ने उनके लिए कुछ खास नहीं किया। इन आरोपों से परे बीजेपी ये बताने की कोशिश में लगी है कि उनका मोटो है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। देखना होगा कि ये सामूहिक विवाह क्या योगी को भी इस बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी दिलाने में कामयाब रहेगी। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल, वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।